दर्शकों तुसी देख रहे हो सांझा पंजाब चैनल ते मैं तुहाडी हरजीत कौर साडे नाल युगेंद्र सिंह यादव भी मौजूद है जिहड़े कि लगातार किसानी अंदोलन दे विच डटे हुए ने ते उसदी अगवाई कर रहे ने। कल दी मीटिंग हुई है की सिट्टा निकलिया सी इह भी गलबात करांगे ते किस तरह अगे इस किसानी अंदोलन की रणनीति तय की जाएगी उस बारे भी आपां गलबात करांगे। गलबात करन तों पहला तुहाडा स्वागत करदे सांझा पंजाब चैनल। मेहरबानी, शुक्रिया। यादव जी, असीं कल दी मीटिंग बारे गल कर रहे सीगे ते कल दी मीटिंग दे विच की ज़्यादातर उन्हां दा जिहड़ा कंसैप्ट रहा कि इक्के जिस विषय ते ज़्यादा गलबात हो। 7 महीने हो गए इस कानून नू बने हुए, ऑर्डिनेंस आया सी एग्जैक्टली 7 महीना पहला, 7 राउंड वार्ता हो गई ते सरकार नू 7 लफ्ज सुनाई नहीं दिते। असी की कह रहे हैं पहले दिन तो, तीनों किसान विरोधी कानून को वापस लो, 7 हो गए, 7 लफ्ज नहीं सुने इनको 7 महीने तक। कल मंत्री पूछते हैं, अच्छा तो आपको रद्द करवाने हैं और किसी से काम नहीं चलेगा, तो 7 महीने से आप सुन नहीं रहे हमारी बात को। इसलिए अब हमने तय किया है कि संघर्ष से इनको सुनाई देगा, वैसे सुनाई नहीं देगा वार्ता से, संघर्ष आगे बढ़ेगा, पूरा देश में लेके जाएंगे। कल से पखवाड़ा मना रहे हैं जिसके अंदर पूरे देश में धरना प्रदर्शन आंदोलन सब किए जाएंगे ताकि इस झूठ का भंडाफोड़ हो के सिर्फ पंजाब हरियाणा का आंदोलन है। और 7 तारीख को परसों हम दिल्ली के इर्द गिर्द जो एक्सप्रेस वे है वहाँ पे ट्रैक्टर मार्च करेंगे, एक छोटी सी झलक एक ट्रेलर दिखाएंगे सरकार को 26 जनवरी का। जिस तरह तुसी कहा कि असी एक ट्रैक्टर मार्च करके उन्होंने एक छोटी जी झलक दिखावांगे, आप लगातार अज मेरे ख्याल 40 दिन हो चुके आप इतने बैठे हुए हैं तो दिल्ली नू कोई फर्क नहीं पै रहा। हालांकि असी देखिए तो दिल्ली उस तरह ही चल रही है, उन्होंने कोई भी कोई जिहड़ा कारोबार वह भी नहीं रुकिया है। फिर असी इतने बैठ के अंदोलन कर रहे हैं तो सानू जो लग रहा उन्होंने कोई फर्क नहीं पै रहा, तो फिर वो बिल किस तरह रद्द कर सकते हैं? दिल्ली दरबार थोड़ा ऊंचा सुनता है, पुरानी प्रॉब्लम है, 500 साल पुरानी है, थोड़ा ऊंचा सुनता है दिल्ली दरबार। लेकिन इस आंदोलन ने जिस तरह से दिखाना शुरू किया, देखिए इस आंदोलन की स्ट्रेंथ ही ये है कि हम चुप करके बैठे हुए हैं। अगर कोई हरकत करते हम उठपटांग, अब तक ये आंदोलन ख़त्म कर दिया होता। इस आंदोलन का पंजाब में 2 महीने इतना शानदार आंदोलन चला, एक पत्ता नहीं तोड़ा किसी ने। यही शांति इस आंदोलन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सरकार के पास अब कुछ बचा नहीं है, तर्क बचे नहीं, नैतिकता बची नहीं, अब सरकार सिर्फ इंतजार कर रही है कि कोई गड़बड़ हो जाए। वो मौका हम इस सरकार को नहीं देंगे। 13 तरीक नूं लोहड़ी मनाउण दा जिहड़ा इत्थे प्रोग्राम वह भी किया जा रहा है, तुहानूं लगता नहीं कि लगातार इत्थे किसानी अंदोलन दे विच मौतां ते मौतां हो रही ने? किसान आगू हुण तक 54 जिहड़े कि शहीद हो चुके ने, फिर असीं लोहड़ी मना के उन्हां नूं श्रद्धांजलि देवांगे? लोहड़ी मनाने का कॉन्सेप्ट तो सिर्फ ये था कि हम इन तीनों कानूनों को जलाएंगे, है ना, वहाँ पे और पूरे ये पर अपने घर दे विच भी जो कोई डेथ हो जाती है आप कोई प्रोग्राम नहीं करते, आप लगातार अपने परिवार को वो सोग दे विच जाते हैं, दुख दे विच दुख प्रगटाते हैं, पर इतने असी वो मनाते चंगे लगते। ये जो लोहड़ी में इसको जलाना, लोहड़ी में आमतौर पर शुभ काम किए जाते हैं, नेगेटिव चीज़ नहीं की जाती, तो एक तरह से जैसे हम कई बार करते थे ना काली दिवाली, है ना, एक त्यौहार को उसके दूसरे मीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो लोहड़ी में आग जलेगी इस बार खुशी की नहीं, इस बार दुख के लिए, और इसको ये तीनों कानूनों को, क्योंकि देश में अलग अलग जगह पे कहीं लोहड़ी कहीं संक्रांति अलग अलग नाम से मनती है, सब जगह आग जलाई जाती है, तो इस बार आग के अंदर हमें इन तीन कानूनों को देना है, बस इतना ही सिर्फ मीनिंग है। एक लास्ट सवाल तुहानू पूछना चाहनी हाँ, असी देखिया कि हरजी पाल एडवोकेट से जिहड़े उन्होंने UNO दे विच भी किसानों वालों पटीशन पाई है कि एमरजेंसी इन्होंने केंद्र सरकार ने बिल जिहड़े पास कर दिते ने, ते हुण उह जिहड़ा UNO दे विच पटीशन चल रही हैगी लगभग वह पूरा किसानों का समर्थन कर रहे हैं, तुसी उस बारे कोई अपने विचार दिते? अच्छी बात है, हिंदुस्तान के बाहर से जो सपोर्ट मिलता है अच्छा ही है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मेरे को बाहर के किसी सपोर्ट पे मैं डिपेंड नहीं करना चाहता। मेरी लड़ाई है, मेरे घर की लड़ाई है, मुझे यहीं लड़नी है, और UN वगैरह कभी कभी अच्छी बात बोल देते हैं। जी, जी, तो समर्थन लेना चाहूँ तो तुसी दोगे? मैं तो एग्जैक्ट पिटीशन देखी नहीं है, पिटीशन देख के बोलूँगा, लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, ये लड़ाई मेरे घर की है, मुझे घर के अंदर लड़नी है। जो NRI हैं वो इंडियन सिटीजन हैं, वो मेरे साथी हैं, उनके साथ मिलके लड़ेंगे, लेकिन ये लड़ाई हिंदुस्तान की लड़ाई है, मैं उसे हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक तरीके से ही लड़ना चाहता हूँ। असी भी कानून के नागरिक है, जिस तरह असी गल करिए कि इस भारत के नागरिक होने के नाते असी इन्नी गल कह सकते कि गणतंत्र दिवस आ रहा, तुम ट्रैक्टर मार्च कट के एक ट्रेलर दिखा चाहते हो, पर तुम्हें लगता नहीं है कि इन्हें उन्होंने कोई फर्क पाऊ?
फ़र्क तो पड़ रहा है बहुत, सरकार तो हिली हुई है और चूँकि हम शांत हैं इसलिए ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। अगर हम उलझुल हरकत शुरू कर दें तो सरकार को कम फ़र्क पड़ेगा। शांति से ही ये सरकार हिलेगी और वही काम हम कर रहे हैं। फ़र्क तो पड़ रहा है और आपको अगले कुछ दिनों में दिखाई दे जाए। एक ही गल कही जा रही है कि संविधान च लागू हो गए कानून, फिर इन अस्ती किस तरह रद्द कर दिए, तुम संशोधन करवा सकते? नहीं, सैकड़ों कानून रद्द होते हैं, हर साल रद्द होते हैं। इसी सरकार ने 50 कानून रद्द किए हैं। एक ऑर्डिनेंस लाएंगे, अगले आज शाम 10 बजे तक रद्द कर सकते हैं अगर चाहें तो। ये तो बिल्कुल झूठ है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई देश विदेशी संगठन को मैसेज देना चाहोगे? बस यही है कि ये आंदोलन हम जीत के आगे बढ़ेंगे और फतेह करके ही जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सो दर्शकों, ये सन जोगिंदर सिंह यादव जिन्होंने दसिया कि असी इस किसानी अंदोलन की वड्डी रूपरेखा उलीकन जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस से वड्डा जिहड़ा कि ट्रैक्टर मार्च आ वह निकलन जा रहा है, तो कितने ना कितने केंद्र सरकार से असर जरूर होगा। तो बिल रद्द करवा के ही इतों जाने की जी कोशिश वो की जा रही है। तो इस तो पहला उन्होंने कहा कि असं शांतमई तरीके प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर एक ट्रेलर दिखा के उन्होंने साबित कर देंगे कि जिहड़ा असी बिल है वो रद्द करवा के जावे। असी कल्ली दिल्ली नू फतेह नहीं करना गा, ये बिल रद्द करवा के नाल MSP की गरंटी लैके ही जिहड़ा वापस है किसानी अंदोलन को खत्म करांगे ते वापस जावे। सो बने रहो सांझा पंजाब चैनल दे नाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल। प्लीज़ साडे चैनल सांझा पंजाब नू लाइक ते सबसक्राइब करो यूट्यूब पर।